तो दोस्तों आज फिर से हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वीडियो अभी बहुत अच्छी तरीके से वायरल हो रही है। आप सभी को पता है बाबा का ढाबा, जो कि इस वक्त पूरा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कुछ 3 से 4 दिन में 1 मिलियन प्लस व्यूज़ एक वीडियो पर जा चुके हैं। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वीडियो है बनाई हुई है, शूट की गई है स्वाद ऑफिशियल की तरफ से। मैं उन्हीं की वीडियो को यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ। तो गाइज, आज की जो ताज़ा खबर है बाबा का ढाबा की, तो वो है कि बाबा का ढाबा जो है वो इस वक्त बंद हो चुका है। वो किस वजह से बंद हुआ है वो इस वीडियो में आज आगे बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करके और वो कर सेलेक्ट कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस वजह से हमारे बाबा का ढाबा बंद हुआ है वो बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बंद इस वजह से हुआ कि पहले तो वहाँ पर उनकी डेली अर्निंग 50 से 60 रुपये, 4-5 से 5 घंटे में 50 रुपये कमाई हुई थी इनकी। और अब जो इनकी कमाई थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले, क्योंकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कमाई तो सभी की एक दिन बढ़ ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये बंद क्यों हुआ है। ये बंद हुआ है इस वजह से कि यहाँ पर पहले तो भीड़ नहीं लगती थी, 3 से 4 आदमी आते थे वो चले जाते थे, कुछ ऐसा ही था लगातार। तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता था, आता नहीं था। तो अब आने लगे थे लगातार 1000 से 1500, 2000, 4000, इतने आदमी यहाँ पर, इतने आदमियों की लाइन लगी रहती थी। और आधे से एक घंटे में इनका सारा जो सामान है वो सब ख़त्म हो जाता था, इतना तेज़ी से यहाँ पर इनका वर्क चल रहा था इस वक्त। तो दोस्तों, और अब आपको पता ही है दिल्ली में मालवीय नगर में ये बाबा का ढाबा है, मालवीय नगर में दिल्ली के। आप भी अगर दिल्ली से हो तो इनको ज़रूर सपोर्ट करना जाके वहाँ पर, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते आप क्योंकि ये बंद हो चुका है। जिस दिन ये खुल जाएगा उस दिन आप ज़रूर जाना दिल्ली के मालवीय नगर में, अगर आप दिल्ली से हो तो ज़रूर जाना। तो दोस्तों ये बंद इस वजह से हुआ है क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में कोरोना का कितनी तेज़ी से इस वक्त बढ़ रहा है, कोरोना का कहर कितना मचा रखा है कोरोना ने यहाँ पर कहर। देखिए यहाँ पर 3 से 4 आदमी इस वक्त थे यहाँ पर, और कोरोना का कहर इतना ज़्यादा था। तो अभी पुलिस की वजह से ये बंद कर दिया गया है कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लग रही है, इस ढाबे पर क्या हो रहा है वो है। और आप जैसे ही, आपको बता देता हूँ कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया जिसे चाहे उसे वायरल कर सकता है, जिसे चाहे उसे नीचे डाल सकता है, जैसे कि न्यूज़ वाले होते हैं। तो इसकी भी एक ऐसी पावर है सोशल मीडिया की। तो दोस्तों इसमें बातें यही हुई थी, कोरोना का ज़्यादा खतरा बन रहा था वहाँ पर, क्योंकि 2 से 3 हज़ार आदमी एक जगह पर इकट्ठे रहते थे। एक आदमी का या कोरोना हो गया तो फिर करीब से करीब 2500-2600 आदमियों की जान जा सकती थी। लेकिन अभी तो कोई टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि भाई अभी इनके पास बहुत धन इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भाई इन्हें वायरल करा दिया गया है। तो वायरल कराने की ज़रूरत भी थी, लेकिन इनके पास क्योंकि पैसे नहीं थे, कुछ भी पैसा नहीं बचता था इन्हें, जितना भी बचता था वो किराए में और बिल विल जाता है घर का, बिजली का, तो उसमें लग जाता था। तो आप इंजॉय कीजिएगा अगली वीडियो, इसमें मैंने सभी वहाँ पर व्लॉग दिखाया है कि क्या हुआ था वहाँ पर। तो आइए आपको लेके चलते हैं मालवीय नगर, जहाँ पे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक 80 साल की ऐसी बुजुर्ग दंपत्ति से, जो कि पिछले 30 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। जब मैं इनके पास पहुँचा, मैंने इनसे पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो भाई सुन के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये कह रहे हैं कि भाई हम सुबह 9:30 बजे से लगे हुए हैं और 1:30 बजे तक हमने सिर्फ 50 रुपये की सेल करी है, और इनकी लागत ही इनकी कमाई से ज़्यादा है। तो भाई सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस तरीके की ये सब्जियाँ बना रहे हैं वो दिखने में इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। तो मुझे लगा कि यार इनको ना मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो मैं भी पहुँच गया इनके पास और कोशिश करी मैंने एक वीडियो बनाने की, इनको हेल्प करने की, और मैं इनको प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं और आप मिलके इनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और हेल्प करेंगे इनकी जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इन्हें हमारी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, उसके बाद जो भी हेल्प हम इनकी करेंगे, हम एक और वीडियो बनाएंगे और इन तक दोबारा पहुँचेंगे और मदद करेंगे इनकी जिस भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यार प्लीज एंड तक वीडियो देखना, सपोर्ट करना, और हाँ शेयर जितना ज्यादा हो सके ना उतना करना।
तो हेलो जी, आज हम आए हैं मालवीय नगर में, और मालवीय नगर में मेरे सामने है जो आप देख रहे हैं जी बाबा का ढाबा, और यहाँ पे है कॉर्नर मार्केट, और मेरे पीछे है हनुमान मंदिर। तो हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने आपको ये बाबा का ढाबा दिखेगा, जहाँ पे 80 साल की बुजुर्ग दंपत्ति काम करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही लगन से ये लोग काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं और कैसा है इनका रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद। और आंटी आपका? बदामनी देवी। बदामनी देवी। क्या है, उम्र कितना है आप लोगों का? सर जी हमारा 80 साल पार कर रहे हैं। 80 साल पार कर रहे हैं। 80 साल एक दो महीने ऊपर हुआ होगा। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम अंकल? 88 से। 88 से काम कर रहे हैं। तो कितने बजे शुरू हो जाते हैं आप लोग सुबह? हम सुबह यहाँ पर आते हैं 6:30 बजे। हाँ जी। खाना हमारा जो 9:30 बजे तैयार जाता है। अच्छा, 9:30 बजे रेडी हो जाता है आपका खाना। तो कमाई ठीक ठाक हो जाता है आंटी? नहीं, कमाई ठीक ठाक नहीं होती है। क्या कमाई होती है, जो बच जाता है थोड़ा बहुत बीतेगा वो लेकर घर जाते हैं। कमाई क्या होती है? नहीं होगा, कुछ नहीं बचता है। घर भर के लेके पाल के लेके घर जाते हैं। आपका अंकल क्या क्या बनाते हैं आप रोजाना? हमारे सभी को बदल जाती है। अच्छा, चावल हमारा ये होता है, दाल कभी चना उड़द, कभी चने की दाल, कभी उड़द राजमा, आलू कोफ्ता, कभी आलू कोफ्ता, कभी आलू गोभी। तो अंकल आपके कितना बेटा बेटी? कोई मदद नहीं करता? कोई नहीं, नहीं हमारे दो लड़के एक लड़की है। लड़की हमारे सर पर है, हमारी मदद कोई नहीं करता। कोई भी आपकी हेल्प? आप ही उन लोगों को खाना खिलाते हैं? सब हम खिला रहे हैं। आज क्या क्या बनाया आपने? आज हमने बनाया है चना उड़द की दाल, चावल है, आलू सोयाबीन की बड़ी है, मटर पनीर है। तो आप देख सकते हैं जी कितनी यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं 80 साल की उम्र में भी, और ये कह रहे हैं हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमारे बच्चों से, ना हमारी बिटिया से, ना किसी से भी। और 80 साल में आंटी के घुटने बिल्कुल जवाब दे चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग। सब कुछ हमारा जो है रेडी हो जाता है, उसके बाद में इंतजार करते हैं ग्राहक का, कोई आए बेचे जब आगे सभी देंगे। लॉकडाउन के पहले दो बच्चे आ जाते थे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। मैं और मेरे फॉलोअर्स कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी मदद हो सकता है हमारे चैनल के थ्रू हम आपकी करें, बट आप मेहनत करते रहिए। अगर नहीं, हम चाहते हैं कि आप सुबह आए 6:30 बजे, 9 बजे तक माल रेडी करें और 10 बजे घर जाके रेस्ट करें। जी अंकल, नाश्ते में क्या क्या होता है? आलू का परोठा, प्याज का परोठा। आलू और प्याज का परोठा। क्या कीमत रखा है अंकल? 30 रुपए प्लेट। 30 रुपए में दो? हाँ जी। अच्छा जी, साथ में दही वगैरह चाय वाय भी दे दें? दही नहीं है, साथ में अचार है और दाल। अचार है और दाल है। तो ये देखिए जी अंकल, यहाँ पे चाय भी बनाते हैं स्पेशली। देखिए जी, ये इनकी एक छोटी सी तह बाजारी है जहाँ पे ये लोग मिलके मेहनत करते हैं दोनों, और चाय बनाते हैं साथ में। ब्रेकफास्ट में आपको आलू के परांठे और प्याज के परांठे मिलते हैं, लंच में आपको अलग तरीके की दो दो तीन तीन सब्जियां मिलती है। तो नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन भाई, आप इनसे कब से खा रहे हो? बहुत पहले से। अच्छा खाना बनाते हैं एकदम? हाँ, पटेल जी। भैया आप कब से खा रहे हो अंकल से? आप कब से खाते हो? हैं, 3-4 साल से। एकदम बढ़िया खाना देते हैं, क्या बात है। हाँ जी, खाना फिर भी अच्छा, क्या बात है। तो देखिए भाई, क्या बढ़िया एकदम मटर पनीर है भाई, 4 रंगत है। ऐसा मटर पनीर तो आपको 5-star होटलों में, ढाबों में भी नहीं मिलेगा, जो ये अंकल और आंटी यहाँ पे मिलके बनाते हैं। क्या एकदम रंगत है यार, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना यार ये मटर पनीर, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। और अंकल, और क्या सब्जी है आपके पास? आलू बड़े सेम दिखाओ जरा। ओए होए, क्या बात है। और अंकल आज क्या बनाया? तीसरी सब्जी। तो सब्जी रोज चेंज करते हो? हाँ। अच्छा, ये क्या है? मिक्स दाल है। क्या बात है। और अंकल इसमें क्या है? चावल। दिखाओ जरा चावल। तो ये देखिए जी, अचार है जो कि ये खुद बनाते हैं, और लुक एट दैट अचार, कितना एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे अचार डालते हैं मिर्ची का। खत्म हो गया, दूसरा
बना। अच्छा एक खत्म हो गया, दूसरा बनाया आपने। हाँ। अच्छा तो ये देखिए जी, फ्रेश यहाँ पे तवे की रोटी भी बनती है, अपने हाथों से बनाते हैं, आंटी बनाती है एकदम बढ़िया फ्रेश चपाती। और ये अंकल हाफ प्लेट है। हाँ जी। ये कितने की है? 30 रुपए। आप में अंकल क्या देते हो, तवा की रोटी देते हो? सादी चावल रोटी है। अच्छा। और दाल चावल सब्जी है। क्या क्या प्राइस है दाल का, क्या प्राइस है? दाल हाफ प्लेट 30 रुपए का। अच्छा जी। और फुल पनीर 40 रुपए का है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा ये सोयाबीन सब्जी 30 रुपए हाफ प्लेट है। अच्छा। और ये रोटी तवे की 5 रुपए की है। एक रोटी 5। और चावल की प्लेट? फुल चावल 50 का, हाफ पीस का है। 1.5 बज चुका है जी अभी। और इन्होंने अभी तक कितने रुपए का कमाई किया अभी तक अंकल? 70 रुपए अभी तक आए हैं बस, सिर्फ 9:30 से लेके 1.5 बजे तक ओनली 70। चलिए कोई बात नहीं अंकल, रख लीजिए आप अंदर रखिए। तो भाई मैंने बीड़ा उठाया है इन अंकल और इन आंटी को हेल्प करने का, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के जरिए खुद अपनी अपने जरिए इनकी हेल्प कर पाऊं, और कोशिश करते हैं कि इनको हम कुछ डोनेट कर पाएं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, क्योंकि इन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा। आपको अगर डोनेट करना है, हेल्प करना है, तो हेल्प करिए इन लोगों की, और मैं आपके जरिए एक और वीडियो बनाऊंगा, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इनको डोनेट किया। जितना भी अमाउंट आएगा सारा अमाउंट हम इनको डोनेट करेंगे आपके जरिए। पर जैसे कि अंकल ने आपको बताया कि भाई सुबह से हम शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारी कमाई बिल्कुल भी नहीं है जी। 50 से 70 रुपए कमाए हैं इन्होंने अभी तक, और 1.5 बज चुका है जी। ओह माय गॉड, लाइफ इज वेरी टफ। अब ये बताइए, आज आपने कौन कौन सी सब्जी बनाई है और कितनी आपकी लागत आई है? टोटल आपको 400 रुपए का पड़ गया। ये लो अंकल, आज ये हमारी तरफ से, आप रखिए, और जो भी जरूरतमंद आएगा उसको खाना खिलाइएगा अंकल मेरी तरफ से। और हम कोशिश करेंगे कि मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स आपको और थोड़ी सी हेल्प करें और सपोर्ट करें, और आप इस उम्र में थोड़ा सा आराम करें। तो ये देखिए जी, ये वो प्लेट है जो मेरे सामने है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मटर पनीर क्या बढ़िया एकदम, उसके बाद यहाँ पे सोयाबीन और आलू की सब्जी है, उसके बाद चावल दाल है, और उसके बाद मिर्ची का अचार है। और भाई अगर आप ये पूरी प्लेट लेते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 50 रुपए, मतलब 50 रुपीज के अंदर आपको इतना सारा खाना ये दे रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए जी स्वाद लेते हैं इसका, और आपको बताते हैं कि कैसा इसका स्वाद है। सबसे पहले हम दाल चावल ट्राई करेंगे। क्या बात है, एकदम बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, और 80 साल की उम्र में भी इतना स्वादिष्ट ये लोग खाना बना रहे हैं, अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां करता है भाई। उसके बाद ये मटर पनीर का तो मैं सच बताऊं तो बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। क्या रंगत, क्या रोगन है मटर पनीर पे, और बहुत ही लाजवाब है। इसको तो मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ, और बताता हूँ आपको इसका स्वाद। वाह अंकल वाह, क्या मटर पनीर बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ढाबों पे भी आपको ऐसे रोगन वाला मटर पनीर बहुत कम मिलता है, और 30 रुपए के अंदर हाफ, मतलब यू कैन इमेजिन कितना सस्ता है और कितना ही बढ़िया है। उसके बाद आलू सोयाबीन की सब्जी है जी इनकी, जिसकी कीमत भी अगेन 13, इसकी हाफ है, और ये ट्राई करते हैं आप। भाई मेरी सच बताऊं तो इतनी औकात नहीं है कि मैं इस खाने को रिव्यू कर सकूं, क्योंकि जिस उम्र में ये लोग इतनी मेहनत करके ये काम कर रहे हैं वो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इनके जज्बे को सलाम, इनके हुनर को सलाम, और इनकी मेहनत को भी भाई मेरी तरफ से सलाम है। तो एक ही मिर्ची के चार के साथ ही बाइट लेते हैं ना। भाई सच बता रहा हूं, इनको सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत है और किसी चीज